आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक मोर कस्टमाइजेबल एंड ब्यूटीफुल लुक वाला थीम जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको अमेजिंग से चेंज अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये ऑलवेज ऑन स्क्रीन को भी सपोर्ट करता है। तो आपके पास कोई ऐसा डिवाइसेज है जहाँ पर आपका ऑलवेज ऑन इनेबल रहता है तो उस पर भी आपको नए क्लॉक देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसे अनलॉक करता हूँ आपको डीप ब्लैक में एक मल्टी कलर का थीम का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और आपको डीप ब्लू टाइप का आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड वॉलपेपर, और टाइमिंग भी आपको बिल्कुल ही अलग फॉन्ट में दिखाई देता है। इसके अलावा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन का एरिया है ये भी बिल्कुल ही कस्टमाइज है, और साथ साथ वोल्टेज बैटरी आइकन वगैरह आपको नए लुक में नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में भी काफ़ी अच्छा खासा कुछ चेंज देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एडिशनल सेटिंग मोर बन चुका है और इसी तरह के और कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। जो कि हमारा साउंड एंड वाइब्रेट होता है वो साउंड में चेंज हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो होम स्क्रीन लॉन्चर में बदल चुका है। हर एक सेटिंग के आगे आपको डॉट डॉट दिखाई देता है लॉन्ग कुछ इस टाइप से, और सारे आइकन यहाँ पे जो बदल दिए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे अबाउट पे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रेडियंट ब्राइट लिखा गया है, और जो MIUI का 12 का जो लोगो है ये भी जो चेंज हो चुका है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगता है। इसके अलावा अगर हम लॉक स्क्रीन की बात करें तो सिंपल सा लॉक स्क्रीन है, वही सेम वॉलपेपर है, लेकिन क्लॉक का जो फॉर्मेट है यहाँ पे फॉन्ट वो चेंज किया गया है। डबल टैप अगर यहाँ पे कॉर्नर पे करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इधर को स्लाइड करने पे आपको कुछ टाइल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और यहाँ पे थीम वगैरह, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे साथ साथ दिया गया स्टेप काउंटर, यानी स्टेप काउंटर भी यहाँ पे जो आपको रीड करके बताता रहेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ब्यूटीफुल सी चीज़ आपको देखने को मिलती है इसे कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये अभी मैंने जो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर इनेबल कर रखा है तो कुछ इस टाइप से आपको लुक देखने को मिलता है, और ये आपको कलरफुल दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये साथ ही साथ आपके डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप डार्क मोड भी इनेबल करते हो तो ये चेंज हो जाएगा डार्क में, और आप देखते तो इसका कलर है जो हल्का ब्लू हो चुका है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर न्यू कंट्रोल सेंटर को इनेबल कर लेते हैं तो आपको इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल सा लुक देखने को मिल जाता है। तो न्यू कंट्रोल सेंटर इनेबल करते ही आपको यहाँ पे मल्टी कलर दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं, मोबाइल का, वाईफाई का, फ्लैश लाइट का, कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। जिसे भी आइकन को आप इनेबल करो आपको डिफरेंट कलर देखने को मिल जाता है। साथ साथ आप देख पाओगे ब्राइटनेस जो स्लाइडर है मल्टी कलर में आपको नज़र आता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल सेंटर चाहे वो MIUI 11 का हो या MIUI 12 का हो काफ़ी ब्यूटीफुल से कस्टमाइज हो जाता है, और आपके फ़ोन को एक बेहतरीन सा लुक प्रोवाइड करता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर इसे आप चार्जिंग पर डालते हो तो चार्जिंग एनिमेशन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो जैसे इसे पुट करते हैं चार्जिंग एनिमेशन पर, आप देखोगे चार्जिंग एनिमेशन का कुछ इस तरीके से स्केल देखने को मिलता है जहाँ पर आपको परसेंटेज वगैरह है जो शो होगा। रही बात कि इसे अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, और इसका नाम आपको देखने को मिला है ग्रेडियंट, जो कि अभी मैं फिलहाल ऑफिशियल MIUI के ऊपर यूज कर रहा हूँ थीम एडिटर का यूज करते हुए। तो आपको पता होगा कि कैसे यूज करना है, नहीं पता है तो आप सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। और ये रहा मेरे पास दूसरा डिवाइस जिसपे मैंने इसे थीम को अप्लाई कर रखा है, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन स्क्रीन इनेबल है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट आपको क्लॉक देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके इसके क्लॉक को ऑफ कर देता हूँ ऑलवेज ऑन को, और इस थीम को मैं अगर दोबारा अप्लाई करने आऊँगा अपने थीम के स्टोर के ऊपर, तो आपको ये डायरेक्ट कहेगा कि भाई आपका ऑलवेज ऑन स्क्रीन है तो उसे आप ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक प्रोवाइड किया गया है ऑन स्क्रीन से रिलेटेड, जहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट क्लॉक है। तो इस थीम को अप्लाई करते ही आपको नया क्लॉक देखने को मिल जाएगा आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपके फ़ोन को एक ब्यूटीफुल सा लुक प्रोवाइड करेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसे किस डिवाइस के अंदर यूज करने वाले हो, वहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन क्लॉक सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं। अगर मिलता है तो ये थीम आपको ब्यूटीफुल से क्लॉक्स में कन्वर्ट करके देगा जो कि भाई अमेजिंग सा लुक प्रोवाइड करता है आपके फ़ोन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरह के इंटरेस्टिंग थीम की वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के ब्यूटीफुल से कस्टमाइजेबल वाले थीम मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ताकि आप उसका टाइम टू टाइम बेनिफिट ले सको।